हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल श्री किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो खासकर गोलगप्पे लवर्स के लिए है। अक्सर लोग गोलगप्पों को बाहर से मंगा लेते हैं, अगर घर पे बनाने नहीं आता है तो उसे तल लेते हैं, और छोला तो भाई किसे बनाने नहीं आता है, वो तो लोग हर कोई बना लेता है, पर अक्सर लोग गोलगप्पे का जो पानी होता है वो सही से नहीं बना पाते हैं, जिससे जब गोलगप्पे का स्वाद होता है वो बेकार हो जाता है। तो अक्सर लोग पानी बनाने में ही उसका कैसे तीखा करते हैं, उसमें क्या क्या डाला जाता है, तो यही वो लोग गलत गलत क्वांटिटी में डाल देते हैं, और क्या डालना चाहिए ये भी वो नहीं समझ पाते, इससे उनका जो गोलगप्पे का स्वाद है वो बेस्वाद हो जाता है। तो इसीलिए आज हम आपको अपनी रेसिपी में गोलगप्पा का पानी बनाना सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको होममेड पानी पूरी का मसाला दिखाएंगे घर पे, और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम चीज़ों से ये बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा एकदम। आप जैसे बाजार के में खाते हैं या ठेले में खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, आप जहाँ भी खाते हैं एकदम उसी स्टाइल में, उससे भी बहुत अच्छा पानी आपको पानी पूरी का हम दिखाएंगे, पानी पूरी का पानी बनाना। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने इस बाउल में 7 से 8 चम्मच जलजीरा का जो पाउडर होता है वो हम डाल देते हैं। आप बाजार में जाके बोलिएगा जलजीरा पाउडर तो वो आपको दे देंगे, छोटा पैकेट में आता है, तो आपको इसे 7 से 8 चम्मच डाल लेना है। तो फ्रेंड्स, जलजीरा पाउडर डालने के बाद हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं, 4 से 5 चम्मच, ये देखिए मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक छोटी स्पून हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, आप अपने तीखा हिसाब से चिली फ्लेक्स डालें, आपको जितना तीखा पसंद है। अब हम इसमें काला नमक डालें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अपने हम काला नमक डाल देते हैं, आप अपने स्वाद अनुसार काला नमक डालिएगा। मैंने अपना 4 लोगों के लिए बनाया तो मैंने इसमें 1 स्पून के लगभग काला नमक को डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, 1/4 स्पून हमने इसमें अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, मसाले में हमें बस इतने ही मसाले चाहिए, इतने ही मसालों से हमारा जो पानी पूरी का जो पानी है वो बहुत ही मस्त और बहुत ही तीखा और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पानी डालें, आप के जितनी फैमिली है, आप जितने पानी पूरी खाने वाले हैं आप लोग, उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे। बस इसी समय पे हमारा ये पानी पूरी का जो पानी है एकदम स्वादिष्ट, एकदम तीखा बाजार के तरह एकदम तैयार होने वाला है। बस इसे थोड़ा देर हम चला लेंगे ताकि पानी में बहुत अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने मिक्स कर लिया है मसालों को पानी में, हमारा पानी पूरी का पानी एकदम स्वादिष्ट और तीखा मैंने चख के देखा है, बहुत टेस्टी बन गया हमारा, तैयार हो चुका है पानी पूरी का पानी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने देखिए आप बताया है 4-5 मसालों से एकदम टेस्टी हमारा पानी पूरी का पानी तैयार हो गया है, और ये एकदम हेल्दी है। एकदम बाजार में अक्सर लोग बहुत गंदे तरीके से पानी इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये घर का बना हुआ पानी पूरी का पानी खाइए, बहुत ही हेल्दी है। इसमें कोई भी मैंने ऐसी कोई भी चीज़ें मसाले नहीं मिलाए जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको दिखाया है। फ्रेंड्स, इसमें इमली का जो पानी होता है आप वो भी डाल सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप डालिए, नहीं तो इतने ही मसाले से बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो गया है। और आप इसमें लास्ट में पुदीना डाल दीजिए, पुदीने का पत्ती, मेरे पास फ्रेंड्स पुदीना इस समय नहीं था, तो मैं रात के समय बना रही थी तो मैं तोड़ने नहीं गई, नहीं तो मैं ज़रूर इसमें पुदीने का पत्ती डालती। आप ज़रूर डालिएगा अगर आप इसे बनाइएगा तो। तो फ्रेंड्स, आप गोलगप्पा लीजिए और खाइए छोला, और इसे पानी के साथ होममेड पानी, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी आज की ये गोलगप्पे की पानी पूरी की पानी
तो अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।